So friends, finally we have reached Mangalore, our hotel property, Goldfinch. This is the main Mangalore city. It's in the heart of the city. This room too is like, this is the bathroom, pretty much standard basic toiletries. Shower area, it's your shampoo and shower gel. It's okay, not very exceptional. And then this is the cupboard area, digital locker wagera rakh sakte hain. Yeh hai room. सो टाइम अभी 6:30 बज गए, तो चाय बनेगा, कुछ सामान कटा, इलेक्ट्रिक कटा. एंड दिस इज मिनी फ्रिज, और इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, थिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट्स एंड कुछ एडल्ट के लिए विच विल नॉट हैव. दीज आर ऑल चार्जेबल, सो जब आप चेकआउट करते हैं तो दे विल एड ऑल ऑफ इट इन योर फाइनल पेमेंट. ये खिड़की के बाहर से ही मैंगलोर शहर का ट्रैफिक. तो चलिए फिर कल सुबह जुड़ेंगे, व्हेन विल स्टार्ट फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज गोवा. द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे गोवा के लिए. ऑन द वे विल विजिट मुर्देश्वर, और चीज़ें देखते हैं. बारिश हो रही है, लगता है रात में अंधेरा है, तो आई थिंक विल फाइंड ट्रेन. चलिए आगे मिलते हैं, तैयार हो गए. सो फ्रेंड्स, वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट. टाइम नाउ इज 8:21, और आधे घंटे में निकल जाएंगे फ्रेश होके फॉर गोवा. सो वी आर स्टेइंग इन होटल गोल्डफिंच इन मैंगलोरू. शहर के नज़ारे भी ऐसे हमने देखा है, ऐसा सिटी के अंदर गई है ना, तो रात में बारिश हुई थी तो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा ह्यूमिड और गर्म था शाम को. सुबह के 9:45 होने को आया, निकल चुके मैं होटल से, ब्रेकफास्ट वगैरह के तेल भरा लिया है. Now we're heading towards Goa, South Goa, Madgaon. रास्ते में एक दो जगह देखते हैं, बाहर तो काफी गर्मी है. It's humid also. My friend, अभी NH66 में आ गया, National Highway 66. I think this should straight चलता रहेगा गोवा तक एकदम. कोस्ट लाइन देखेंगे आगे चल के, गए वहाँ पर हम दोबारा जुड़ते हैं. चलिए. सो फ्रेंड्स, बारिश चालू हो गई, रात में भी बारिश हुई थी, पूरे बादल काले काले हैं. तो आगे जोरों की बारिश मिलने वाली ऐसा लग रहा है. तो फ्रेंड्स, बारिश जो है बहुत तेज हो गई कुछ जगह पे, विजिबिलिटी जो है कम हो रहा है, धीरे धीरे तो चलना पड़ेगा. ट्रकें भी हैं, बसें भी हैं, जैसे हाईवे. तो
उडुपी है आगे नेक्स्ट बिग टाउन, आई गेस 9 किलोमीटर फ्रॉम हियर। बैंगलोर के बाहर आने का तो बारिश हुई नहीं है, और तो आगे कुछ काले बादल देख रहे हैं, तो हो सकता है उडुपी उसके आगे बारिश मिले। फिलहाल तो धूप निकली हुई है यहाँ पे। राइट लेंगे तो आप उडुपी सिटी एंटर कर जाएंगे। विल गो स्ट्रेट ऑन दिस हाईवे। फ्रेंड्स ये देखिए रास्ता है पूरा मुर्देश्वर जाएगा, हमें इस रास्ते से आगे जाना है। और ये समुंदर के बगल बगल से अभी ये हाईवे जाएगा काफ़ी दूर तक। चलिए आगे चलते हैं। बाहर गर्म है, अभी मुर्देश्वर मंदिर के वहाँ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हाईवे जो एकदम समुंदर के बगल बगल से अभी जाएगा काफ़ी देर तक। वो करना तो ऐसे ही रहेगा। इस हाईवे से मैं सीधे सीधे जाना है गोवा के लिए, मुंबई भी गोवा के लिए आए। हम यहाँ से आए पीछे रुक से। चलिए आगे मुर्देश्वर मंदिर के वहाँ मिलते हैं। नारियल पानी पिया, नींबू सोडा दोस्तों, तरोताजा हो गया मन। इधर नीचे उतर आए थोड़ा, ये अरब सागर नज़ारे वाकई दोस्तों खूबसूरत। तो हाईवे जो है काफ़ी देर तक समुंदर के बगल बगल से गुजरेगा। इसके आगे तो समंदर है, अरब सागर। तो चलिए अभी मुर्देश्वर के वहाँ जाएंगे मंदिर दर्शन करके, फिर गोवा सीधा नॉन स्टॉप आगे मिलते हैं। मुर्देश्वर इज अप्रॉक्स 20 किलोमीटर फर्दर फ्रॉम हियर, 20-25 मिनट लगेंगे। सो प्लान इज टू विजिट द टेम्पल मुर्देश्वर। शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी वहाँ पे, दूर से दिखाई भी पड़ जाता है। उससे बाहर तो काफ़ी गर्मी है, 34 डिग्री दिखा रहा है। बट कोस्टल एरिया होने की वजह से ह्यूमिड की वजह से गर्मी जो और थोड़ा सा
अनबेरेबल सा लगता है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं NH-66 हाईवे, कंटिन्यू करते रहना इसी को, जहाँ जहाँ ये जा रही है रास्ता। जैसे टू कीप ड्राइविंग ऑन दिस रोड, दिस विल टेक अस टू गोवा। फर्दर इफ यू कीप ड्राइविंग देन इट विल टेक यू टू मुंबई। चलिए आगे मुर्देश्वर टेम्पल के वहाँ मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने भटकल क्रॉस किया है। भटकल की बिरयानी जो है थोड़ी फेमस है, थोड़ी हटके है। डेफिनेटली यू शुड ट्राई व्हेरेवर यू नो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू भटकल बिरयानी। जिस मुर्देश्वर और पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट में। नदी काफ़ी सारे आते हैं रास्ते में, ब्रिजेस, नीलकंठा टेम्पल ऑन द राइट। चलिए आगे मिलते हैं फ्रेंड्स। मुर्देश्वर टेम्पल की तरफ आ गया, लेफ्ट हाईवे से लेफ्ट छोड़ गया, थोड़ी देख के फिर बाहर निकलेंगे हम। तो 2 किलोमीटर पे है जो मंदिर जो है, मंदिर के प्रांगण का ये कॉम्प्लेक्स है मुर्देश्वर का, साफ सुथरा बड़ा सा। तो सामने दिखाई पड़ रहा होगा मूर्ति, विशाल मूर्ति। पार्किंग देखते हैं, पार्किंग थोड़ी देर दर्शन करके फिर वापस हमें यू टर्न मार के हाईवे पे निकलना है NH-66 में। चलिए आगे मंदिर पहुंच के स्टैचू भी उसके हाइट का ही लग रहा है। सो फ्रेंड्स ये है मंदिर। अनफॉर्चुनेटली हम 2-4 मिनट से लेट हो गए, दर्शन बंद किया है, फिर 1-2 घंटे बाद खुलेगा, तो इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास वेट करने के लिए। सामने जो भोले बाबा की प्रतिमा है वहीं से उनको हम नमन करके आगे निकल गए। अच्छे से बनाया हुआ है, काफ़ी पार्किंग वगैरह भी है, देर से खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह। दोस्तों भोले बाबा की मूर्ति, मुर्देश्वर बीच वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी है, नारियल पानी वगैरह। समर में तो ये ठीक है, बस निकल रहे हैं अभी हम कारवार के, वहाँ रुकेंगे थोड़ा सा लंच के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल रहे हैं मुर्देश्वर से, हाईवे जुड़ेंगे कारवार के आसपास। वी आर थिंकिंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर फूड और उसके बाद फिर गोवा 5:30 तक पहुँच जाएंगे घर। तो फ्रेंड्स आगे बादल से लग रहे हैं काले घने, शायद बारिश में आ गए। हाईवे जो है ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, सो ड्राइविंग इट्स गुड एक्सपीरियंस। दोनों तरफ कारवार इज इन अदर 60 मिनट्स, वहीं पे लंच करेंगे हम। तो फ्रेंड्स कारवार से आधा घंटे पहले हम रुके हैं कामत होटल में,
तो हैव अ क्विक लंच, आधे घंटे रुक के फिर निकलेंगे। तो मैंने साउथ इंडियन थाली मंगाया है और बाकी दोनों ने नॉर्थ इंडियन थाली। 5:30 बजे तक हम पहुंचेंगे गोवा, निकलेंगे तो फिर मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, कामत होटल में हमने लंच कर लिया है, अब सीधा घर पहुंचेंगे। 5:30 तक कहीं नहीं रुकेंगे। कारवार यहाँ से कुछ और 30 मिनट्स है, उसके बाद गोवा घुस जाएंगे। कावा चलिए आगे मिलते हैं रास्ते रोड पे। हिमालय में आ गए, ऐसा फील। सो फ्रेंड्स, बस अभी हम गोवा बॉर्डर एंटर करेंगे और 5-10 मिनट में लेफ्ट में कारवार रह गया, कारवार सिटी। दिस इज लाइक बाईपास सिटी। कारवार इज अ पोर्ट सिटी, नेवी का बेस है यहाँ पे, बड़ा सा काफी। एंड इट्स अ बीच आल्सो, कारवार बीच। इट्स क्लीन, लोग कम है। चलिए आगे गवर्नमेंट टेल के फ्रेंड्स, एंडली वी हैव एंटर्ड गोवा। मडगांव फ्रॉम हियर इज अनदर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर मतलब 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। इट्स गुड टू बी बैक एट होम। चलिए फिर मडगांव में जब एंटर करेंगे वी विल कनेक्ट अगेन वन लास्ट टाइम। फ्रेंड्स, सो फाइनली वी हैव रीच मडगांव। सो यहाँ से अगर आप जस्ट राइट लेंगे तो इट्स अ मडगांव स्टेशन। तो जर्नी जो है ओवरऑल स्मूथ रहा फ्रॉम मैंगलोर टू गोवा। सो ऑन टाइम ही आ गए। तो उम्मीद है आप लोगों को भी हमारे साथ इस जर्नी में अच्छा लगा होगा। कुछ भी फीडबैक रहेगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट पे डालिएगा। तो यहीं पे एंड करते हैं इस ब्लॉग को, मैंगलोर टू गोवा। फिर जुड़ेंगे आगे किसी और सफ़र पे, तब तक ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए, मिलेंगे दोबारा।